मिर्जापुर नगर के महुवरिया में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग के मंडलीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। इसके बाद खादी के स्टॉल पर कोट पहनकर पसंद आने पर भोनी भी कराई। इस दौरान नगर विधायक ने टोपी पहनकर चेक किया। मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामोद्योग मिल का पत्थर साबित होगा। नगर के मध्य 10 दिवसीय मंडलीय स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी में लगे स्टॉल लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने स्टॉल के निरीक्षण के दौरान एक कोट पसंद किया, उसे खरीद कर दुकानदार का भूनी भी कराया। इस दौरान नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र, मझवा विधायक शुचि स्मिता मौर्य, जिलाधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। ग्रामोद्योग के माध्यम से मंडली प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न तरह की जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सरकार की सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में लोग छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आज ये प्रदर्शनी के अंदर आप देख रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामोद्योग विभाग की पहल से सबका सपना पूरा होगा। कहा कि मेले में लगे विभिन्न स्टॉल लोगों के लिए सहायक साबित होगा। ये मंडल स्तरीय प्रदर्शनी खादी की है, जिसमें बेरोजगार युवकों के द्वारा अपना सामान बना करके उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि जिससे वो अपना रोजगार सृजन करते साथ साथ उनके जीविकोपार्जन का काम भी कर सके। प्रदर्शनी के पहले दिन पहला ग्राहक को दुकानदार भी याद रखते हैं। पिछले साल भी पहले ग्राहक मंत्री रमाशंकर सिंह थे, तो इस बार भी वह पहले ग्राहक बने। NBC News के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।